नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है vampirehub.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त अनुराग। दोस्तों, हम यहां पर रोजाना आपके लिए सबसे पहले सरकारी नौकरियों की जानकारी लेकर आते हैं, तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटे को दबा दें। तो दोस्तों, यहाँ पर कर दी है यूपी पोस्टल सर्कल ने 5314 ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS के लिए अधिसूचना प्रकाशित। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में, तो हमारे साथ बने रहे वीडियो के लास्ट तक। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्कल। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5314 है, जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.appost.in। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक यानी GDS के लिए जैसा कि मैंने बताया टोटल पद है 5314। आगरा से ये पद 100 है, अलीगढ़ से 232, बुलंदशहर से 92, इटावा से 132, इटावा से 165, झांसी से 248, मैनपुरी से 137, मथुरा से 100, RMS XDN झांसी से 14, अलाहाबाद से 154, मिर्जापुर से 83, प्रतापगढ़ से 122, सुल्तानपुर से 150, बरेली से 57, बिजनौर से 46, बुदौन से 126, हरदोई से 80, खेरी से 177, मीरठ से 48, मुरादाबाद से 129, मुजफ्फरनगर से 107, सहारनपुर से 146, आजमगढ़ से 180, बहराइच से 121, बस्ती से 175, देवरिया से 49, गोंडा से 75, गोरखपुर से 128, RMS GDN गोरखपुर से 14, बाराबंकी से 118, फैजाबाद से 175, लखनऊ से 18, रायबरेली से 163, सीतापुर से 208, बंदा से 282, फतेहगढ़ से 82, फतेहपुर से 49, कानपुर से 54, कानपुर मुफस्सिल से 230, RMS KPDN से 2, गाजियाबाद से 54, बलिया से 96, गाजीपुर से 10, जौनपुर से 109, वाराणसी ईस्ट से 98 एंड वाराणसी वेस्ट से 61 पोस्ट हैं। तो दोस्तों, आपको पता चल चुका है रीजन वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कम्युनिटी वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज है। तो दोस्तों, यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी से 2771 पोस्ट है, OBC से 1412 पोस्ट है, SC से 955 पोस्ट है, ST से 26 पोस्ट है, PHHH से 59 पोस्ट है, PHOH से 58 पोस्ट है, PHVH से 33 पोस्ट है, यानी कि टोटल 5314 पद है। तो ये एक सुनहरा मौका है, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, गो एंड ग्रैब द जॉब। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो दोस्तों, यहाँ पर शैक्षिक योग्यता मांगी गई है 10वीं पास। तो अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो कमर कस लें, तैयारी करें, एग्जाम दें और पास हो जाएं, इट्स अप टू यू। दोस्तों, यहाँ पर आपको कंप्यूटर में भी नॉलेज होना चाहिए या आपको बेसिक कंप्यूटर वर्क आना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें बेसिक कंप्यूटर वर्क करना पड़ सकता है, तो इसकी टेस्ट भी होगी आपकी। आप हमारे वेबसाइट पे जाएं और इसके रिगार्डिंग डिटेल्स अच्छे से पढ़ लें। दोस्तों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके एज लिमिट की। दोस्तों, यहाँ पर जो एज लिमिट मांगी गई है वो है 18 से 40 साल और इसका जो एज रेफरेंस मांगा गया है वो है 30 अक्टूबर 2017। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो दोस्तों, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो मेरिट लिस्ट एंड इंटरव्यू पे बेस्ड होगा, तो मेहनत करें, मेहनत के बिना कुछ ना मिलना है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो दोस्तों, यहाँ पर जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस है 100 रुपए, वहीं ऑल अदर कैंडिडेट्स यानी कि SC ST एक्स सर्विसमैन एंड PWD के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, यानी कि निःशुल्क है भैया। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आप इस फॉर्म के लिए कैसे अप्लाई करोगे। दोस्तों, इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है, आप हमारे वेबसाइट पे जाएं, हमारा वेबसाइट है www.vampirehub.com, वहां जाएं, इस फॉर्म से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी पढ़ें, उसके बाद अगर आप एलिजिबल हो तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, अगर हमारी हेल्प करना चाहते हो तो हमारे पोस्ट को अपने फेसबुक पे शेयर करें, अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखते रहना है, हमेशा सरकारी नौकरियों की जानकारी से अपडेट रहना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे आपको आज ही 1-2 घंटे बाद अपने नए वीडियो में नए सरकारी नौकरी के साथ।
तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन, जय हिंद, वंदे मातरम।